Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. Microprocessor and microcontroller interfacing की इस वीडियो लेक्चर में अब तक हमने देखा कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, उसका पिन डायग्राम कैसा होता है, उसका बेसिकली जो प्रोग्रामिंग होता है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, इन सब पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज से हम नेक्स्ट एक पॉइंट पे ट्रांसफर होने वाले हैं, जिसका नाम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन। ओके, तो आज से जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज में वीडियो आएंगे वो सिर्फ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के रिलेटेड वीडियो आएंगे। ओके, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर क्या है, इसका पिन डायग्राम क्या है, इसका प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, इसकी अलग अलग एप्लीकेशन किस तरह से होती है, इसमें टाइमर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इंटरप्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, 8051 से हम काउंटर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। ओके, लेकिन यहां पे 8051 में आपके पास इंटरनल मेमोरी रैम एंड रोम होती है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी अटैच करनी होती है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आज से हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। ओके, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी पिन यूज होती है। ओके, इन सभी पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू MCU 51 फैमिलीज माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि हमारे पास जो भी 51 फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं। बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम कैसा है, इसमें कौन कौन से इंटरनल ब्लॉक होते हैं और कौन सी चीजें हमें एक्सटर्नली अटैच करनी पड़ती है। इसमें 40 पिन होती है, तो पिन डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये हमारे पास 40 पिन है उसमें कौन सी पिन कौन से नंबर पे है। ओके, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 8051 में एक्सटर्नल ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑसिलेटर किस तरह से डिजाइन होता है, उसमें क्लॉक सर्किट का फंक्शन क्या होता है, रीसेट सर्किट से हम किस तरह से पूरी सिस्टम को हम रीसेट कर सकते हैं, अलग अलग हमारे पास यहाँ पे आईओ पोर्ट्स होते हैं, उन सभी आईओ पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरनल मेमोरी रैम एंड रोम होती है, तो रैम एंड रोम का इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस कर सकते हैं, एंड यहां पे जो इंटरनल प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी होती है, जो कि हमने यहां पे डिस्कस किया था कि जो हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है उसमें प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी किस तरह से इंटरफेस होती है, इसके बारे में भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये फर्स्ट वन माइक्रो कंट्रोलर है वो है 8051, जो फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था उसी में से एक माइक्रो कंट्रोलर है 8051, जो कि 8 बिट पे वर्क करता है। हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि उसमें एट अ टाइम 8 बिट की प्रोसेस हो सकती थी। यहाँ पे भी हमारे पास 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इस माइक्रो कंट्रोलर में भी 8 बिट प्रोसेस हो सकती है, यानी कि एट अ टाइम ये माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट को प्रोसेस करता है। अगर आपको 16 बिट की प्रोसेस करवानी है तो 8 बिट प्लस 8 बिट दो पार्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद टर्न बाय टर्न उसमें प्रोसेस होगी। यहाँ पे जो ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो एक टाइप का इंटेल माइक्रो कंट्रोलर है, यानी कि इसको डिजाइन किया गया है इंटेल के द्वारा। ओके, यहाँ पे इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे फीचर्स है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम के लिए मेमोरी मिलती है 4KB की। ओके, 4 KB की हमें यहाँ पे ऑन बोर्ड प्रोग्राम मेमोरी मिलती है, जिसमें हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा 128 बाइट का यहाँ पे हमें डेटा मेमोरी मिलता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन सभी मेमोरी को हम यहाँ पे 4 रजिस्टर बैंक में डिवाइड करते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3 में। ओके, तो इसके बारे में हम इंडिविजुअल एक लेक्चर में देखेंगे कि 4 रजिस्टर बैंक है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बैंक में इन मेमोरी को डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 128 सॉफ्टवेयर फ्लैग्स है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है हमें मेमोरी मिलती है, जो रॉ रैम मिलती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमें 64KB की मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ये माइक्रोप्रोसेसर है वो 12 MHz क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ओके,
यानी कि यहाँ पे जो ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो बहुत ही फास्ट माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 32 बाई डायरेक्शनल आईओ पिन है, जहां पे हम किसी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास 4 पोर्ट है जिसमें 8 बिट का डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 8 × 4 32 बाई डायरेक्शनल आईओ पिन है जहां पे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस अटैच करने वाले है। तो इनका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट में किया जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Then, 16 बिट के काउंटर एंड टाइमर मिलते हैं। दो हमें यहाँ पे टाइमर मिलते हैं जो कि 16 बिट के होते हैं और इन सभी टाइमर को अलग अलग मोड में ऑपरेट किया जाता है। तो सभी टाइमर के बारे में हम एक अलग एक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो बाइनरी एंड डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह से इसका प्रोग्रामिंग करके हम बाइनरी ऑपरेशन एंड डेसिमल ऑपरेशन 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मदद से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हम दो टाइप से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक है असेंबली लैंग्वेज एंड सेकंड वन दैट इज सी प्रोग्रामिंग। ओके, ज्यादातर यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग समझना बहुत ही इजी होता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन याद रखनी पड़ती है। ओके, और इन सभी इंस्ट्रक्शन का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसमें इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना चाहिए या सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ओके, जिसमें 20 पिन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड 20 पिन्स राइट हैंड साइड होती है, यानी कि ये जो हमारा पैकेज है इसको हम ड्यूअल इन पैकेज बोल सकते हैं या फिर DIL ड्यूअल इन लाइन पैकेज बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में नंबर ऑफ पिन को डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड 20 पिन एंड राइट हैंड साइड 20 पिन। यहाँ पे जो ये यू शेप दिया गया है ये यू शेप इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपको पिन काउंट करना स्टार्ट करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से पिन काउंट करना स्टार्ट करना है। ओके, तो 1, 2, 3 अप टू 20 पिन आपको यहाँ पे मिलेगी, देन 21 पिन आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, 21 अप टू 40। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको 1 to 20, 21 to 40 पिन मिलती है। इसके अलावा अगर इसके इंटरनल ब्लॉक के बारे में डिस्कस करें कि ये आईसी जो हमारे पास है इसमें कौन कौन से इंटरनल ब्लॉक होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू यानी कि जो हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में डिस्कस किया था, एक माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट होता है। ओके, जिससे माइक्रो कंट्रोलर सारी प्रोसेस करता है। तो ये जो सीपीयू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक इंटरनल सीपीयू रहता है। इस सीपीयू के साथ हमें इंटरनल 4KB की रोम मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें 128 बाइट की रैम मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 4KB की रोम एंड 128 बाइट की रैम। ओके, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इन दोनों में से एक भी चीज हमें नहीं मिलती है, हमें एक्सटर्नली रोम एंड रैम अटैच करनी पड़ती है। जबकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमें इंटरनल रैम एंड इंटरनल रोम मिलती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, जिसकी साइज आपको यहाँ पे दी गई है। 4KB की रोम मिलती है एंड 128 बाइट की रैम मिलती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइमर है। मैंने आपको बताया कि 16 बिट के हमारे पास दो यहाँ पे टाइमर होते हैं। ओके, तो टाइमर 0 एंड टाइमर 1 के दो ब्लॉक होते हैं जिसको आप काउंटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल इनपुट देके इस टाइमर को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको काउंटर डिजाइन करना है इसमें कोई एक रिपीट होती हुई कोई एक इवेंट है जिसे आपको काउंट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे काउंटर की डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमें सीरियल पोर्ट मिलते हैं। सीरियल पोर्ट क्यों यूज करते हैं? सीरियल पोर्ट यूज होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल कम्युनिकेशन यूज होता है ब्लूटूथ में। ओके, जहां पे डेटा सीरियली ट्रांसमिट होता है, तो जो ये सीरियली डेटा ट्रांसमिट होता है वहां पे हम सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दो पिन मिलती है जिससे हम सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज TXD यानी कि ट्रांसमिट पिन, और यहाँ पे TXD एंड सेकेंड वन दैट इज RXD। RXD का मीनिंग होता है रिसीव करने के लिए। तो डेटा माइक्रो कंट्रोलर को रिसीव करना है तो RX से करेगा और ट्रांसमिट करना है तो TXD से करेगा।
इसके अलावा यहाँ पे हमें अलग अलग आईओ पोर्ट्स मिलते हैं जिससे हम अलग अलग मेमोरी को इंटरफेस कर सकते हैं या फिर अलग अलग आईओ डिवाइस को इंटरफेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इस माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर से एलईडी को इंटरफेस करना है, सिंपल हमें एलईडी ब्लिंकिंग का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, तो एलईडी हम किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले किस तरह से इंटरफेस की जाती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से इससे रिले ऑपरेट करवा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से एलसीडी को इंटरफेस किया जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसे डीसी मोटर ऑपरेट करवा सकते हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर से हम किस तरह से डीसी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास पोर्ट है, इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए, यानी कि अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमारे पास 4KB की मेमोरी है, इससे ज्यादा अगर मेमोरी चाहिए तो यहाँ पे जो एड्रेस डेटा पोर्ट है इसकी मदद से हम यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई आईओ डिवाइस इंटरफेस करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ओके, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इनपुट डिवाइस जैसे कि स्विच, देन सेंसर, देन माइक्रोफोन ओके, इस तरह के इनपुट डिवाइस अटैच करने हो तो भी आप यहां पे अटैच कर सकते हो। तो यह हो गया हमारा एक आईओ पोर्ट का ब्लॉक। नेक्स्ट वन दैट इज बस कंट्रोल। ये बस कंट्रोल यूज होता है अलग अलग कंट्रोल सिग्नल को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल सिग्नल लगे रहते हैं, इन सभी कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपके पास कंट्रोल बस दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का फंक्शन है कि यहाँ पे जो ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, इस माइक्रो प्रोसेसर को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है तो इसके लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है ओके। तो हमने यहाँ पे अभी फीचर्स में देखा कि यहाँ पे आप 12 MHz तक इसको ऑपरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप अलग अलग क्रिस्टल ऑसिलेटर जैसे अलग अलग ऑसिलेटर डिजाइन करके यहाँ पे जो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है उसे क्लॉक सिग्नल, क्लॉक पल्स अप्लाई कर सकते हो, जिससे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोल। हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इंटरप्ट होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग इंटरप्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मेनली हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं ओके। हार्डवेयर इंटरप्ट यानी कि एक्सटर्नल पिन से आप कोई इंटरप्ट जनरेट करवाओगे तो मेन प्रोग्राम में इंटरप्शन जनरेट होगा और उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ओके ISR जिसको हम बोलते थे वो एग्जीक्यूट होता है। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर पिन से अगर आप इंटरप्ट जनरेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे इसकी भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करवाना है, यानी कि मेन प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे डाल देने हैं जिससे यहाँ पे एक इंटरप्ट जनरेट होता है और उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल का एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिससे आप एक्सटर्नल इंटरप्ट ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है और आर्किटेक्चर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। अगर आपको 7 मार्क्स में GTU में इक्वेशन मिलता है ओके, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो आपको इस ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करना है और इंडिविजुअल ब्लॉक को समझाना है कि कौन से ब्लॉक का क्या फंक्शन है ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली पिन डायग्राम में हमारे पास किस तरह से पैकेज होता है और यहाँ पे हमारे पास इंटरनल ब्लॉक कैसा होता है। तो अभी देखते हैं इसमें जो इंडिविजुअल ब्लॉक है, इस इंडिविजुअल ब्लॉक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास एक 8-bit का ALU है, यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिससे हम एरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन इंक्रीमेंट, देन डिक्रीमेंट और लॉजिकल फंक्शन जैसे कि एंड और नॉट, इस तरह के अलग अलग फंक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8-bit का एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है जिसमें एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसको हम बोलते थे एक्यूमुलेटर, एंड सेकंड वन दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर दैट इज बी, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में आता है एक एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग्स ओके। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, देन स्टैक पॉइंटर, देन डेटा पॉइंटर एंड 16-bit के टाइमर एंड काउंटर, ये सभी चीजें हमारे पास यहाँ पे CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर में दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे 8-bit मल्टी फंक्शनल रजिस्टर दिया गया है जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर, जिसमें आप इन सभी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जो भी ऑपरेशन होते हैं वो एक्यूमुलेटर में होते हैं ओके। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का जो भी रिजल्ट आता है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। 8-bit का जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है वो है बी रजिस्टर। देन डेटा पॉइंटर, जिस तरह से उस प्रीवियस केस में 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास एक
प्रोग्राम काउंटर था, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेटा पॉइंटर है। ओके, प्रोग्राम काउंटर के जैसा एक डेटा पॉइंटर है जो कि यहाँ पे 16 बिट का है, और ये 16 बिट का जो हमारे पास रजिस्टर है इसका स्पेशल फंक्शन है कि कोई 16 बिट का डेटा है और एड्रेस है इसे स्टोर करना। ओके, तो यहाँ पे 16 बिट का जो एड्रेस होता है उसे होल्ड करके रखता है, और अगर आपको यहाँ पे 8 बिट के दो अलग अलग डेटा को स्टोर करना है तो 2 इंडिविजुअल डेटा को भी ये स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में यहाँ पे हमारे पास 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है जिसको हम यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है इसके लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है फ्लैग बिट्स। फ्लैग बिट के बारे में आपको पता होगा, फ्लैग बिट्स यूज क्यों होते हैं। फ्लैग बिट यूज होते हैं एक्यूमुलेटर में जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का जो रिजल्ट हमें मिलता है उस रिजल्ट को इंडिकेट करने के लिए, उसकी जो कंडीशन है। ओके, उसकी जो कंडीशन है कि यहाँ पे अभी रिजल्ट मिलने के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो भी स्टेटस है उस स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए, उस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हम फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे फ्लैग्स है उसमें हमें माइक्रोप्रोसेसर 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, देन जीरो फ्लैग एंड नेक्स्ट वन दैट इज साइन फ्लैग। ओके, इस तरह से अलग अलग 5 फ्लैग्स मिलते थे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग फ्लैग्स है। फर्स्ट वन फ्लैग दैट इज कैरी फ्लैग। ये कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है कि जब भी एक्यूमुलेटर में कोई रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में अगर ओवरफ्लो होता है यानी कि कैरी जनरेट होती है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 9th बिट एक्स्ट्रा बिट मिलता है। इस एक्स्ट्रा बिट मिला या नहीं, कोई एक्स्ट्रा बिट मिला या नहीं, तो इसे कैरी फ्लैग से इंडिकेट करते हैं कि जब भी एक्यूमुलेटर में 8 बिट से ज्यादा डेटा मिलता है आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, कोई अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बीट मिला या नहीं इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे कैरी फ्लैग दिया गया है। एक कैरी फ्लैग तभी सेट होगा, कैरी फ्लैग की वैल्यू तभी 1 होगी जब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में कोई एक्स्ट्रा बीट मिलता है। जब भी एक्यूमुलेटर ओवरफ्लो होता है तभी एक कैरी फ्लैग एग्जीक्यूट होगा और सेट होगा। नेक्स्ट वन दैट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर है इस एक्यूमुलेटर में 2 निबल होती है, लोअर निबल एंड अपर निबल। तो लोअर निबल में D0, D1, D2 एंड D3 होता है एंड अपर निबल में D4, D5, D6 एंड D7 होता है। तो जब भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है एक्यूमुलेटर में तो उस दौरान यहाँ पर D3 टू D4 कैरी ट्रांसफर होती है, यानी कि लोअर निबल टू हायर निबल कैरी ट्रांसफर होती है, तो उसे ऑक्सिलरी कैरी बोला जाता है। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो कैरी लोअर निबल टू अपर निबल जब ट्रांसफर होगी तो उसे बोला जाता है ऑक्सिलरी कैरी। तो जब भी इस तरह की प्रोसेस होती है तब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट होता है। ओके, तो यहाँ पे D3 टू D4 कैरी ट्रांसफर होगी तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। यहाँ पे आपको 2 यूजर डिफाइन और यूजर फ्लैग मिलते हैं जिसको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस फ्लैग को सेट या रीसेट करवा सकता है। ओके, तो इसको कोई हाल अभी एप्लीकेशन हमें नहीं मिली है लेकिन यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे इसे प्रोग्राम कर सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे बैंक सिलेक्टर। ये जो बैंक सिलेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसमें आपको हर बार बताना पड़ेगा कि कौन सी बैंक का आप इस्तेमाल कर रहे हो जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तब। तो बैंक को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 अलग अलग फ्लैग दिए गए हैं। हमारे पास बेसिकली बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3, इस तरह से 4 अलग अलग रजिस्टर बैंक दी गई है। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे सेट और सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लैग है, S0 एंड S1। जब S0 एंड S1 की वैल्यू आप 00 रखोगे तो आपके पास यहाँ पे बैंक 0 सिलेक्ट होगी। जब 101 रखोगे तो बैंक 1 सिलेक्ट होगी। जब यहाँ पे 10 रखोगे 10 तो यहाँ पे बैंक 2 सिलेक्ट होगी। जब यहाँ पे 11 सिलेक्ट करोगे और 11 सेट करोगे तो बैंक 3 सिलेक्ट होगी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बैंक सिलेक्टर के लिए 2 यहाँ पे फ्लैग्स दिए गए हैं। नेक्स्ट वन दैट इज ओवरफ्लो फ्लैग। ये जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो इंडिकेट करता है कि एक्यूमुलेटर में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसमें ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है। नेक्स्ट वन दैट इज पैरिटी फ्लैग। यहाँ पे जो ये पैरिटी फ्लैग है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर में नंबर ऑफ 1
नंबर ऑफ वन है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वन है वो नंबर ऑफ वन यहाँ पे अगर हमें ऑड मिलते हैं ओके तो यहाँ पे जो पैरिटी फ्लैग है वो पैरिटी फ्लैग सेट होगा। अदरवाइज यहाँ पे नंबर ऑफ वन अगर आपको इवन मिलते हैं तो इवन मिलेंगे तो आपका पैरिटी फ्लैग जीरो रहेगा ओके तो यहाँ पे ये जो फ्लैग्स है इस फ्लैग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो एक्यूमुलेटर है। तो यहाँ पे ये जो सारे फ्लैग्स है इन सभी फ्लैग्स का बेसिक यूज होता है इस एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट मिला है उसमें कोई कैरी जनरेट हुई या नहीं, कोई ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई थी या नहीं, यहाँ पे कौन सी बैंक का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे पैरिटी है वो इवन है या ऑड है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फ्लैग दिए गए हैं ओके। तो ये 8 बिट का एक हमारा फ्लैग रजिस्टर है। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये S0S1 है वो S0S1 मैंने आपको बताया कि बैंक को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे इसके बेसिक लोकेशन दिए गए हैं कि कौन सी बैंक का एड्रेस क्या है। फर्स्ट हमारी बैंक 0 है तो 0 से 07 हमारी बैंक वो 0 है जिसमें हम 8 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 रजिस्टर है हमारे पास, एक रजिस्टर में 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 बाइट को स्टोर करने के लिए आपके पास 8 अलग अलग रजिस्टर दिए गए हैं ओके। इस तरह से आपके पास 4 अलग अलग बैंक है तो चारों बैंक में आप 8 बिट स्टोर करोगे तो यहाँ पे आप 32 बाइट स्टोर कर सकते हो, 32 बाइट स्टोर कर सकते हो ओके। और यहाँ पे जो ये मैंने बताया कि ओवरफ्लो फ्लैग है, ये ओवरफ्लो फ्लैग इंडिकेट करता है सेट व्हेनेवर साइन नंबर ऑपरेशन इज टू लार्ज। जब भी आप साइन नंबर का इस्तेमाल करते हो, साइन नंबर का मीनिंग क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 7 बीट का साइन नंबर इंडिकेट करना चाहते हो तो 7 बीट का साइन नंबर क्या इंडिकेट करेगा, जो आपका 8 बिट डेटा है, इस 8 बिट डेटा में जो लास्ट वन MSB है D7 वो साइन इंडिकेट करेगा एंड D6 टू D0 मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा ओके। तो यहाँ पे ये जो आपका 8 बिट का डेटा होता है इस 8 बिट डेटा को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जिसमें 7 बिट है वो 7 बिट मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेंगे जबकि जो D7 बिट है वो साइन इंडिकेट करेगा ओके। तो D7 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करेगा। अगर D7 की वैल्यू आप 1 रखते हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा ओके। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये जो साइन नंबर है इस साइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे ये जो 8 बिट का हमारे पास डेटा है इसे हम 7 बिट साइन नंबर बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ 7 बिट का है ओके। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम काउंट करोगे तो अगर मैं इस D7 की वैल्यू 0 रखता हूँ, D7 इज इक्वल टू 0 रखता हूँ और रिमेनिंग सभी बिट को मैं 1-1 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कब मिलेगा, जब मैं सारे बिट्स को 1111 कर दूंगा तब। तो इनका अगर आप डेसिमल बनाओगे तो डेसिमल मिलेगा 127, यानी कि मैक्सिमम में 127 पॉजिटिव नंबर बना सकता हूं। अगर नेगेटिव नंबर बनाना है तो यहाँ पे 1 कर देना पड़ेगा और रिमेनिंग जो हमारे पास बीट से उसे भी 1 कर देना पड़ेगा। तो 1D7 इंडिकेट करता है नेगेटिव एंड 1111 का डेसिमल होगा 127, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 127, मिनिमम नेगेटिव नंबर हमारा होगा -127 ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह के जब ऑपरेशन करते हो, साइन नंबर का ऑपरेशन करते हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन, उसमें अगर आपके पास कोई लार्ज नंबर मिलता है, यहाँ पे हमारे पास जो 7 बिट थे उससे ज्यादा अगर 8 बिट का नंबर मिलता है तो हमारा जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा ओके। तो कैरी फ्लैग और जो हमारे पास यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कैरी फ्लैग ऑपरेट होता है जब भी आप अनसाइन नंबर का ऑपरेशन करते हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन अनसाइन नंबर का होता है और ओवरफ्लो फ्लैग है वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप यहाँ पे साइन नंबर का इस्तेमाल करते हो तब ओके। तो यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस है ओके। पैरिटी फ्लैग मैंने आपको बता दिया, पैरिटी फ्लैग कब ऑन हो एक्टिवेट होगा और सेट होगा जब यहाँ पे नंबर ऑफ वन एक्यूमुलेटर में नंबर ऑफ वन ऑड मिलते हैं तब पैरिटी फ्लैग 1 होगा और सेट होगा, अदरवाइज पैरिटी फ्लैग 0 रहेगा जब इवन नंबर होगा तब ओके। नेक्स्ट वन दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास टोटल 128 बाइट के होते हैं, यानी कि 80H से लेके FFH ये हमारे लोकेशन है इंटरनल रैम के, इंटरनल रैम के ये जो लोकेशन है 80H से लेके FFH उसमें हमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मिलते हैं। उसमें हमारे पास अलग अलग IO पोर्ट्स रहते हैं, उसमें अलग अलग कंट्रोल
रजिस्ट्रार्स रहते हैं, और इन सभी को एक ग्रुप में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे स्पेशल फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ओके, मैं अभी आपको यहाँ पे इंटरनल रैम का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसमें 80 से FF तक हमें अलग अलग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मिलेंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसमें हमें अलग अलग पोर्ट्स मिलते हैं, IO पोर्ट्स मिलते हैं। अगर आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट में अलग अलग डेटा ट्रांसमिट या रिसीव करना है, तो इन्हीं सभी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे IO पोर्ट को डेटा सेंड रिसीव कर सकते हो। CPU में जो अलग अलग जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मिलते हैं, उन सभी को यहाँ पे रैम में इस लोकेशन में ऐड किया जाता है 80H से लेके FFH तक। इंटरनल यहाँ पे जो हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर होते हैं, वो भी यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में काउंट किए जाते हैं। टाइमर्स एंड काउंटर्स के लिए यहाँ पे 8-bit के अलग अलग टाइमर्स एंड काउंटर को जोड़ के यहाँ पे 2 16-bit काउंटर बनाए जाते हैं और टाइमर बनाए जाते हैं। ओके, और इन्हीं सभी को यूज किया जाता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग के लिए। किसके कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जो भी माइक्रो कंट्रोलर में ऑपरेशन होंगे उन सभी ऑपरेशन को कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग करने के लिए इन सभी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे जो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, उन सभी स्पेशल फंक्शन और स्पेशल पर्पस रजिस्टर को मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। ओके, यहाँ पे आएगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उसके लोकेशन आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड दिखाए गए हैं। 80 से लेके FF तक हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इसमें कुछ ऐसे लोकेशन है जो अभी ब्लैंक है, इसका यूज अभी कोई इसका स्पेशल यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे FF देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल इन फ्यूचर कोई टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो इसका यूज किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास B रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, IP है, पोर्ट 3 है, IE है, पोर्ट 2 है। यहाँ पे ये जो SBUF है इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। SCON का मतलब हम समझेंगे कि किस तरह से हम सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पोर्ट 2 का मीनिंग समझेंगे, पोर्ट 1 का मीनिंग समझेंगे, पोर्ट 3 का मीनिंग समझेंगे। TH क्या होता है, TH0, TH1, TL1, TL0 ये इंडिकेट करते हैं टाइमर्स। ओके, टाइमर 0 लोअर बाइट, टाइमर 1 हायर बाइट, इसके लिए यहाँ पे इस TH का इस्तेमाल किया जाता है। टाइमर कंट्रोल के लिए, टाइमर मोड के लिए, यहाँ पे ये जो PCON है इसका इस्तेमाल क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर, देन P0 पोर्ट क्या है, इन सभी के बारे में हम इंडिविजुअल एक एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि SFR को ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है और इसे ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया SFR बिट एड्रेसेबल। ओके, यहाँ पे आपको इसका पिन डायग्राम दिखाया गया है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें बेसिकली जो 40 पिन हमें मिलती है उसका जो पैकेज है वो है ड्यूअल इन पैकेज। ओके, तो यहाँ पे ये जो ड्यूअल इन लाइन पैकेज है उसको इस तरह से दिखाया जाता है, जिसमें 20 पिन लेफ्ट हैंड साइड एंड 20 पिन राइट हैंड साइड दी गई है। ओके, यहाँ पे हमें 32 IO पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग पोर्ट्स दिए गए हैं, P0 टू P3। ओके, इंडिविजुअल पोर्ट में हमारे पास 8 बिट होते हैं, इसको अगर हम 4 टू मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमें 32 IO पोर्ट्स और IO पिन देखने को मिलेगी। ओके, ये सभी पोर्ट है, चारों के चारों पोर्ट बाई डायरेक्शनल है, यानी कि यहाँ पे डेटा आप ट्रांसमिट भी कर सकते हो और यहाँ से रिसीव भी कर सकते हो। सभी पोर्ट में जो भी पिन दी गई है उसमें पोर्ट 1 के अलावा जो भी पोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी मल्टी फंक्शनल पोर्ट है, यानी कि यहाँ पे आप एक पोर्ट 1 के अलावा जो भी पोर्ट है, पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3, इसके साथ आप मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पोर्ट 1 है वो यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट किया गया है। पोर्ट 1 है, उसकी 0-7 पिन यहाँ पे दिखाई दी गई है, 1-8। ओके, ये पिन है वो पोर्ट 1 के लिए इस्तेमाल होती है। देन पोर्ट 0 यहाँ पे है, पोर्ट 0 यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो AD0-AD7, जो हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर में AD0 से AD7 का इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पोर्ट 0 का एक AD0-AD7 लोअर एड्रेस एंड डेटा मल्टीप्लेक्स बस दी गई है, जिसका आप यहाँ पे मेमोरी इंटरफेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई IO पोर्ट अटैच करना है तो IO
डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन है पोर्ट टू, तो पोर्ट टू यहाँ पे हमें दिया गया है, ओके ये हमारा पोर्ट टू हो गया है, ओके जिसके साथ आप यहाँ पे AD8 to AD15 यानी कि यहाँ पे हम 16 बीट का एड्रेस एज वेल एज डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके तो पोर्ट टू का भी यहाँ पे आपको दिया गया है, ओके पिन नंबर 21 to 28 यहाँ पे पोर्ट टू के लिए दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पोर्ट थ्री दिया गया है, ये पोर्ट थ्री हो गया है, इसमें हमें अलग अलग कंट्रोल फंक्शन दिए गए हैं जिसमें ट्रांसमिट रिसीव INTR यानी कि इंटरप्ट देन टाइमर के लिए टाइमर 0 टाइमर 1 देन रीड राइट ऑपरेशन के लिए दो अलग अलग कंट्रोल सिग्नल दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास यहाँ पे पिन बाकी रहती है उसमें है ऑसिलेटर के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए दो पिन, एक पावर सप्लाई वी ग्राउंड के लिए पिन, एक पावर सप्लाई VCC के लिए पिन, एक रीसेट के लिए पिन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए दो अलग अलग पिन दी गई है। यहाँ पे ये जो पिन है EA इसका मीनिंग होता है एक्सटर्नल एक्सेस, ओके जब भी आपको कोई एक्सटर्नल मेमोरी में से डेटा एक्सेस करना है तो इसके लिए 31 पिन का इस्तेमाल होगा। ALE पिन का मीनिंग आपको पता होगा एड्रेस लेच एनेबल, जिससे आप एड्रेस एंड डेटा को डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हो। प्रोग्राम स्टोर एनेबल पिन, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हो, ओके तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 40 पिन दी गई है जिसमें से 32 पिन का आप यूज इनपुट आउटपुट के लिए कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी ये 32 पिन है इसका इस्तेमाल आप बायडायरेक्शनल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे डेटा रीड भी कर सकते हो और यहाँ पे डेटा राइट भी कर सकते हो। तो ये बेसिक हमारा पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। यहाँ पे आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है कि यहाँ पे किस तरह से और एक्सप्लेन 8051 पिन डायग्राम, ओके तो यहाँ पे आपको इसका पिन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और इंडिविजुअल पिन का फंक्शन समझाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसके जो इंडिविजुअल पिन है इसका फंक्शन क्या होता है।